हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मंथली राशिफल में क्या चीजें होने वाली, कैसे रहेगी आपकी प्रिडिक्शन मेष से लेके मीन राशि तक। चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले, ये मंथ में क्या चीज़ें करने वाले, कुछ नई चीज़ें होने वाली है। स्टेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट दिखाई दे रही, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे दे रही। कुछ नए काम को लेके आगे बढ़ेंगे और खुद होके आपको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ी कम्युनिकेशन जो आपकी क्लियर रखिए, थोड़े से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम को लेके। कुछ न्यू जर्नी होगी, कुछ नया ट्रैवल आप ज़रूर करेंगे, जिनकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल आप गेन कर सकते हैं। बैक टू बैक काम आते हुए दिखाई दे रहे, काम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, थोड़ी वो चीज़ों को लेकर आप सोचते हुए दिखाई दे रहे। मनी वाइज थोड़ी दिक्कत रहेगी, पर खुद होके अपने मनी डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। फाइनेंशियल आपकी थोड़ी वो जो है स्ट्रांग होगी। ये चीज़ होगी, कहीं ना कहीं आप फ्रीडम चाहते, कहीं ना कहीं अकेले रहने चाहते, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही कि आप अकेले निकलते तो भी परेशान रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन आपको करने के लिए कोई ना कोई, आपको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई साथ होने के लिए आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए जानते हैं कि एंजल्स मैसेज आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी होने वाली है एंजल्स को लेके। तो एंजल्स आपके कहना चाहते हैं कि आपको हेल्प मिल सकती है किसी ना किसी से, आप हेल्प लीजिए। एंड आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं अभी अच्छा टाइम है, कर सकते हैं। एंड अबंडेंस दिखाई देते दे रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल को जैसे कि जो शेयर करना ना भूले। शायद ये चीज़ें थोड़ी सोच रही हूँ कि मतलब अगर मैं थोड़ा सा जो है आपको एक फ्लायर सेंड करूँगी, फ्लायर सेंड करने के बाद ही जो है मेरे एक कुछ डिसीजन होगी कि मैं शाम के टाइम पे थोड़ा सा 1 आवर के लिए जो है लाइव सेक्शन लूँ, जिनके लिए आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप मुझसे लाइव टैरो रीडिंग सीख टैरो रीडिंग के बारे में जान सकते हैं। टैरो रीडिंग के लिए आप जैसे कि आपकी कुछ भी आपकी फीलिंग्स है, आपके जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी जो भी प्रिडिक्शन करनी है, आप 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्री लाइव सेक्शन रहेगा 1 आवर का, तो 6 से 7 बजे का टाइमिंग शायद हो सकता है, जो भी टाइमिंग रहेगा 6 से 7 या 7 से 8, वो टाइमिंग आपको जो है शेयर किया जाएगा पोस्ट के माध्यम से, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जैसे कि यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारे पोस्ट जो है मिल जाएंगी। कुछ नई नई जानकारी आती रहती है, प्लीज़ पोस्ट की तरफ ध्यान दें, अनदेखा ना करें, रील्स की तरफ ध्यान दें। तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें जो है मैं लेके आती रहूँगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ, न्यू टिप्स के साथ, कुछ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।